जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते लेकिन अपने हौसले से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज है 30 अप्रैल और स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों ये जो करंट अफेयर्स रहते हैं ये सारे एग्ज़ाम 2019 में जितने ही आने वाले एग्जाम्स हैं, SSC, बैंकिंग, रेलवे, PSC, पुलिस, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को स्किप ना करते हो, लास्ट तक जरूर देख लिया करें दोस्तों। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही डेली मॉर्निंग में 5 बजे हमारे चैनल से करंट अफेयर्स वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करके हमें मोटिवेट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी मित्रों के साथ। स्टार्ट करते हैं फिर दोस्तों फटाफट आज का हमारा करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको पुराने करंट अफेयर्स जो हैं ओल्ड करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करा देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों डेली आप नया पढ़ते लेकिन पुराना रिवाइज़ नहीं करते, इसलिए आपको पुराना रिवाइज़ करना जरूरी है ताकि आपको पुरानी चीज़ें याद रहें। चलिए फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन भारत का पहला भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल होंगे। देखिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में बने हैं भारत के पहले लोकपाल बने हैं पिनाकी चंद्र घोष जी, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पिनाकी चंद्र घोष जी दोस्तों जो है भारत के पहले लोकपाल बन गए हैं और ये कब बने, 19 मार्च 2019 को इनको जो पद की और गोपनीयता की शपथ इन्होंने ली है 19 मार्च 2019 को। देखिए दोस्तों जो भारत का लोकपाल होगा उसकी जो कार्यकाल होगा कितना होगा, 5 वर्ष से 70 वर्ष जो भी पहले हो, ये आप याद रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल कौन बनेंगे, बन चुके हैं पिनाकी चंद्र घोष बन गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 23वें एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था। तो देखिए दोस्तों 23वें एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था कतर में, ठीक है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों 2019 में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप का जो है 23वां संस्करण ये 4 दिवसीय कतर के दोहा में खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया था। कहाँ पर हुआ था ये, कतर के दोहा में दोस्तों, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ था। देखिए दोस्तों आपको बता दें कि इस जो है प्रतियोगिता में बहरीन ने 11 गोल्ड के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। नंबर वन पर कौन था, बहरीन था। दोस्तों यहाँ पे आपको इंडिया का याद रखना, इंडिया की इसमें पोजीशन क्या थी, इंडिया की बात करें दोस्तों तो इंडिया जो चौथे नंबर पर था पदक तालिका में टोटल 17 मेडल के साथ, इसमें जो है 3 गोल्ड थे, 7 रजत थे और 7 कांस्य, ठीक है। इससे पहले जो दोस्तों कहाँ पे हुआ था एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये हुआ था दोस्तों भुवनेश्वर इंडिया में हुआ था, 22वीं जो है एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप। और 23वां कहाँ पे हुआ है जरूर याद रखेंगे, कतर के दोहा में हुआ है, ठीक है। और 2000 जो है दोस्तों उसमें जो 22वां हुआ था तो पहली बार पदक तालिका में इंडिया शीर्ष पर था और अभी क्या है 4th पोजिशन पर है, तो ये आप जरूर याद रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, फीफा कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तो देखिए दोस्तों फीफा कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं प्रफुल्ल पटेल, ठीक है, प्रफुल्ल पटेल बन गए हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पे दोस्तों बात हो रही फीफा की, फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं। फीफा का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना कब हुई थी ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। फीफा की स्थापना हुई थी दोस्तों 21 मई 1904 में, ठीक है, 21 मई 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, ठीक है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में फीफा के, गियानी इन्फेंटिनो वर्तमान में प्रेसिडेंट है। देखिए दोस्तों फीफा की बात हो रही तो आपको बता दें जो फीफा का दोस्तों फुटबॉल वर्ल्ड कप है, ठीक है, तो आपको बता दें कि जो फीफा का 22वां वर्ल्ड कप है वो होगा कतर में, 2022 का जो होगा कतर में होगा, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और अभी हाल ही में कतर में क्या हुआ ये एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप, और जो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होगा वो भी कहाँ पे होगा, कतर में होगा, ठीक है। तो फीफा कार्यकारी परिषद के सदस्य में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, प्रफुल्ल पटेल जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अप्रैल 2019 में विश्व बैंक के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों डेविड मलपास को, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेविड मलपास जी को विश्व बैंक का चेयरमैन अध्यक्ष बनाया गया है। विश्व बैंक की बात हो रही वर्ल्ड बैंक की, तो आपको बता दें वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, एग्जाम में पूछ लेता है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना थी जुलाई 1945 में, ठीक है। कितने मेंबर हैं इसमें, कितने मेंबर देश हैं, 189 है वर्तमान में, ठीक है, 189 मेंबर्स कंट्री। और दोस्तों आपको बता दें सदस्य राष्ट्रों के पुनर्निर्माण और विकास कार्यों के लिए ऋण देकर पूंजी की व्यवस्था करना इसका मुख्य जो उद्देश्य है विश्व बैंक का,
ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है दोस्तों जुजाना कैपुतोवा। कौन बन गई हैं? जुजाना कैपुतोवा बन गई हैं स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल होगा? तो मैंने आपको पहले बता दिया, पिनाकी चंद्र घोष। अब देख लेते हैं दोस्तों आज का जो करंट अफेयर्स है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। पाँचवें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन समिट का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो देखिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाँचवा एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन समिट का आयोजन हुआ है काठमांडू में, ठीक है, नेपाल की कैपिटल काठमांडू में हुआ है, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर प्रिपेयरनेस पर पाँचवीं एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन मीडिया समिट का आयोजन काठमांडू नेपाल में किया गया, ठीक है। तो ये आप याद, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य जलवायु कार्रवाई और आपदा तैयारियों में तेजी लाने के लिए मीडिया की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करना। नेपाल की बात करें तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है वर्तमान में? खड़ग प्रसाद ओली, ठीक है, केपी शर्मा ओली। और करेंसी क्या है यहाँ की? नेपाली रुपया, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप, पाँचवीं एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन समिट का आयोजन कहाँ हुआ है? नेपाल की कैपिटल काठमांडू में, ठीक है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में पुंगम कन्नम का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? देखिए दोस्तों हाल ही में पुंगम कन्नम का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। देखिए दोस्तों भारत के पूर्व फुटबॉलर पुंगम कन्नम का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और कन्नम जो दोस्तों भारत के लिए 14 मैच खेले थे और पूर्व मोहन बागान और पूर्वी बंगाल फॉरवर्ड थे वो। उन्होंने दोस्तों लगातार दो बार बंगाल के लिए संतोष ट्रॉफी जीती और शीर्ष स्कोरर रहे। आपको बता दें दोस्तों उन्हें जो है पेले ऑफ एशिया कहा जाता है, ठीक है, पेले ऑफ एशिया ग्रुप इनको जाना जाता है, ठीक है। तो हाल ही में पुंगम कन्नन का निधन हो गया, प्रसिद्ध क्या थे? फुटबॉलर थे, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे एग्जाम के लिए एल बुक पब्लिशर द्वारा पीडीएफ नोट्स तैयार किए गए, बेहद इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। उसमें आपको 20 प्रैक्टिस मॉक टेस्ट मिल जाएगा, साथ ही ऑनलाइन क्वेश्चन मिल जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। बुक की प्राइस दोस्तों मात्र 35 रुपीज़ है, ऑफर चल रहा है इसमें, आप हमारे सब्सक्राइबर इसलिए आपको मात्र 35 रुपीज़ में मिल जाएगी बुक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों ये पीडीएफ नोट से, याद रखेंगे पीडीएफ नोट से इसका आपको जीमेल में मिल जाएगा, तो आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बार्सिलोना ओपन 2019 का खिताब किसने जीता है? देखिए दोस्तों बार्सिलोना ओपन 2019 का खिताब जीत लिया है डोमिनिक थियम ने, ठीक है, डोमिनिक थियम ने। ये ऑस्ट्रिया के हैं डोमिनिक थियम। इन्होंने दोस्तों डेनियल मेदवेदेव को हरा कर बार्सिलोना ओपन 2019 जीता है। डेनियल मेदवेदेव को हराया है, ये कहाँ के हैं? रूस के हैं, ठीक है। तो बार्सिलोना ओपन 2019 खिताब किसने जीता है? डोमिनिक थियम ने। क्वेश्चन फोर्थ है हमारा, आईएसएसएफ पिस्टल विश्व कप 2019 में कौन सा देश शीर्ष पर था? आईएसएसएफ पिस्टल विश्व कप 2019 में दोस्तों, तो इसमें शीर्ष देश था दोस्तों इंडिया, ठीक है, अपना भारत इंडिया। देखिए दोस्तों भारत ने जो है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ यानी आईएसएसएफ विश्व कप में कुल 4 पदक 3 स्वर्ण और 1 रजत के साथ अपने अभियान का अंत किया। इसमें नंबर 1 था इंडिया। और आपको बता दें चीन जो है 2 स्वर्ण सहित 5 पदकों के साथ जो है दूसरे स्थान पर रहा, ठीक है। और ये कहाँ पे आयोजित की गई थी दोस्तों? आईएसएसएफ वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल कहाँ पे आयोजित की गई थी? चीन के बीजिंग में आयोजित की गई थी 21 से 29 अप्रैल तक, ठीक है। कहाँ पे आयोजित हुई थी जरूर याद रखेंगे, चीन के बीजिंग में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्लेयर पोलोसॉक पुरुषों की वनडे मैच की पहली महिला अंपायर बनेंगी, वो किस देश की हैं? देखिए दोस्तों क्लेयर पोलोसॉक जो हैं ये पुरुषों के वनडे मैच की पहली महिला अंपायर बनेंगी, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे ये पहली महिला अंपायर बनेंगी और टूर्नामेंट के मेज़बान नामीबिया और ओमान के बीच फाइनल में अंपायरिंग करेंगी, ठीक है। तो पुरुषों के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनेंगी और वो आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीज़न 2 मैच में रहेंगी, ठीक है। तो याद रखें काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लेयर पोलोसॉक। अगला क्वेश्चन है हमारा, इकमंगा पुरस्कार 2019 किसे मिला है? देखिए दोस्तों साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर जैक्स कैलिक्स को सिल्वर डिवीज़न में ऑर्डर ऑफ इकमंगा से सम्मानित किया गया, ठीक है, ऑर्डर ऑफ इकमंगा सम्मानित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैक कैलिक्स, ठीक है। और यह सम्मान जो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति द्वारा उन नागरिकों को दिया जाता है जिन्होंने कला साहित्य संगीत पत्रकारिता संस्कृत और खेल में महत्वपूर्ण योगदान किया है। तो साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर जैक्स कैलिक्स को सिल्वर डिवीज़न में ऑर्डर ऑफ इकमंगा से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा,
प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है 29 अप्रैल को, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि 1982 में ITI डांस कमेटी ने आधुनिक बैले का निर्माता जीन जॉर्जेस नोवेले का जन्मदिन मनाए जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। आधुनिक बैले के निर्माता जो थे जीन जॉर्जेस नेवरे को जन्मदिन मनाए जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? नृत्य का जश्न मनाना, इस कला की सार्वभौमिकता में रहस्योद्घाटन और सभी राजनीतिक सांस्कृतिक जाति बाधाओं को पार लगाना और लोगों से जो है आम भाषा में नृत्य के साथ लाना है, ठीक है। तो 29 अप्रैल को प्रतिवर्ष नृत्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में खबरों में रहा फानी क्या है? तो हाल ही में फानी खबरों में रहा यह एक चक्रवाती तूफान है, ठीक है, चक्रवाती तूफान है दोस्तों ये, ठीक है, तो याद रखेंगे। ये अभी जो है तटीय आंध्र प्रदेश में टकराने की संभावना इसकी, और एक तीव्र तूफान में बदल गया है और तटीय जिलों में जो है रियाल सीमा के कुछ हिस्सों में आधी तेज और हवाओं के माध्यम से शुरू होने जा रहा है, शुरू हो सकता है ये, ठीक है। तो फानी ये चक्रवाती तूफान है, याद रखेंगे। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों, लास्ट वीडियो का आंसर, मैंने क्वेश्चन पूछा था ICC वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में अभिषेक वर्मा ने कौन सा पदक जीता था? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, सभी स्टूडेंट राइट आंसर दिया था और काफ़ी डिटेल में लिखा था। अब देख लेते हैं दोस्तों आज का सवाल क्या है हमारा, आज का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस गणितज्ञ को एबेल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? आपको फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।